भाई मेरी चाची जी बोल रही है कि इनकी भैंस का गोबर भी मैं ही उठाऊं अभी डांट रही थी मेरे को मैंने कैमरा पकड़ा जैसे ही चुप हो गई मैं क्यों उठाऊं <laughs> तो बत, <laughs> मार उठाऊ हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग तो आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है मैं अपने ही रूम से कर रहा हूँ तो कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा जो कि मैं YouTube के लिए यूज करता हूं ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूं कुछ इस तरीके से मेरा रूम है ठीक है तो उसके बाद आपको दिखाऊंगा मैं अपना माइक जो ये माइक है बोया 800 का ये माइक है ठीक है तो यहाँ पे इसको जोड़ रखा है मैंने नीचे टेबल के साथ और ये कुछ किताबें जिन्हें फ़िलहाल मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता ये शायरी की बुक्स है और कुछ मेरी कॉपियाँ हैं जिसमें मैं शायरी लिखता था तो भाई अब ब्लॉग के चक्कर में ना सब कुछ शायरी का तो छूट ही गया है उसके बाद ये चेयर है और ये मेरा पीसी ठीक है जिसमें मैं शायरी की जो ऑडियो और वीडियो की एडिटिंग होती थी उसे करता था और भाई ये कैमरा स्टैंड मेरे पास कैमरा तो है नहीं पर फ़ोन के लिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है तो बस यही था छोटा सा रूम छोटा सा सेटअप मेरा जो आपको दिखाना था तो अब मैं चलता हूँ अभी मुझे बहुत सारा काम है करने के लिए ठीक है वही डेली रूटीन का है वही घास लाना है वही देसी रस्सी जुगाड़ बट कुछ नया भी कर, करूँगा मैं बीच में जैसे मतलब वो नहीं कि आपको बोर नहीं करूँगा यार रोज़ रोज़ वही ब्लॉग डाल के कुछ हटके करने की कोशिश करूंगा तो आप वीडियो में बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को शेयर करें तो दोस्तों ये पीपल का पेड़ है ब्रह्मा जी का निवास स्थान जो हमारे गांव से सबसे लास्ट में यानी कि हमारे गांव के सबसे लास्ट में है और हर शनिवार को इसकी परिक्रमा की जाती है ठीक है डोरी के साथ इसकी परिक्रमा की जाती है बांधा जाता है आपको डोरी दिख भी रही होगी और कुछ फूल यहाँ पे जो पूजा की जाती है तो फाइनली मैं अभी जो हूँ घास लेकर के आ गया हूँ और घास को अच्छे तरीके से कवर भी कर लिया है तो फिर अभी मम्मी ने गोबर भर के रखा है मेरे लिए तो अभी उसको ले जाऊँगा घर के नीचे जैसे फेंकूँगा तो वही यहाँ पे मम्मी ने जो है गोबर इकट्ठा करके रख दिया है तो अभी इसको उठाऊंगा और ले जाऊंगा घर के नीचे खेतों में फेंक दूंगा तो मैंने जो गोबर लाया वो यहाँ फेंक दिया है यहाँ पे सारा जो गोबर है इकट्ठा करके रखते हैं जब फिर खेतों में फ़सल उगाने का वक्त आता है तो फिर इसके बाद उसको खेतों में गिराया जाता है जिससे फसल बहुत अच्छी होती है तो गाय जब भी भापा जो है घर आ गए हैं और बाल्टियाँ साफ़ करने के लिए बोल रहे हैं दूध की बाल्टियाँ तो अभी करते हैं आपको भी दिखाता हूँ मैं फ़ाइनली जो था बाल्टी धोने का काम तो दोस्तों वो पूरा हो गया है तो अभी मैं अपने रूम में आया हूँ तो अभी बस थोड़ी देर बाद खाना खाना है अभी खाना खाया नहीं है हम वैसे भी लेट ही खाना खाते हैं तो उसके बाद अब सोने का काम है और कोई काम नहीं बचा है तो ऐसा है नहीं इतना काम होता नहीं है बस यही है मैं आपको वीडियो में वही दिखाता हूँ जब काम करता हूँ या कुछ एक्टिविटी कर रहा होता हूँ ठीक है तो गाई फाइनली अभी सो के उठे हैं तो रीशु आया है दूध छोड़ने के लिए तो भाई इसने वो अभी उठाया मेरे को कह रहा है कि दादा ने बोला है देखो भाई मिल सकता है रीशु है रीशु फिर बड़े जल्दी उठ जाते हो यार अरे शर्मा क्यों रहा है भाई भाई मेरी चाची जी बोल रही है कि इनकी भैंस का गोबर भी मैं ही उठाऊँ अभी डांट रही थी मेरे को मैंने कैमरा पकड़ा जैसे ही चुप हो गई वो चले गए देखो क्या बोल रहे थे भाई मैं क्यों उठाऊं? मैं क्यों उठाऊं? तो बता मार नहीं? चाची बताओ बताओ तो बोलो क्यों उठाऊं? क्यों उठाऊं? आप खुद अपना काम नहीं कर सकते आप आप खुद नहीं कर सकते क्या है पीछे बताओ तो भाई चाची और मेरे पीछे ऐसा ही मजाक चलता रहता है तो अभी मेरे को थोड़ा सा काम है करने के लिए तो मैं भी अपनी भैंसों को बार बांध देता हूँ चाची ने तो बांध दी तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद कैमरा ऑफ किया था तो अभी चाची मेरे को दोबारा डांट रही थी बोलती कि वीडियो को डिलीट करना ठीक है इनको मालूम नहीं था कि इनकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो देखो अब कैसे चेहरा छिपा रहे हैं अपना है देखो भाई कैसे अब पानी भी नहीं पिला रहे पूरा <laughs> ऐसे ऐसे चेहरा छुपा रहे हैं अपना अब बताओ देखो भाई भाग्य घर चलेगी चाची <laughs> वो देखो हसरे अब दूसरी बार नहीं बोलेंगे ये मैं जैसे ही बोलते हैं मैं कैमरा सीधा ऑन देख लो भाई तो गाइस अभी जो है भैंसों को चारा वगैरह डाल दिया है आराम से खा रही है तो हम भी अब घर जाते हैं थोड़ा सा तैयार हो लेते हैं नहा धो करके फिर उसके बाद अगला वीडियो शूट करते हैं भाई अभी जो हूँ मैं अपने रूम में पहुँच गया हूँ पूरा काम ख़त्म करके तो अब यहीं पर ब्लॉग को ख़त्म करने की भी सोच रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली नई वीडियो के साथ तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है लाइक करना है वीडियो को शेयर करना है दबा के तो भाई ओके बाय बाय